बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास सेवन्थ। आज जो है आपकी एक्सरसाइज 6.4 है और ये चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज है जी। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इन टू मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो स्पीड है इस ये उसने हमें दी है किलोमीटर पर आवर में। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर आपकी मोटर बाइक की आप ले लें उसके ऊपर मीटर के ऊपर रीडिंग लगी होती हैं, तो अगर आपकी जो मीटर है उसकी जो सुई है वो आपकी 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, तो इसका मतलब है आप एक घंटे में 60 किलोमीटर दूर जाएंगे। अगर वो 72 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आप एक घंटे बाद 72 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड कितनी रहेगी 72 रहे। तो अब यही जो किलोमीटर एक घंटे में स्पीड है इसको हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो बाइक है वो एक सेकंड में कितने मीटर करती है, तो हमने सेकंड के हिसाब से इसको फाइंड करना है। तो जैसे कि हम पता है ये जो 1 किलोमीटर होता है ये इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो हमने पहले किलोमीटर के बना लेने हैं मीटर, और जो एक घंटा होता है 1 आवर उसके अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और एक मिनट में हमारे पास जो सेकंड होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक घंटे के हमने मिनट बना के तो फिर उसके सेकंड बनाने हैं, तो हमने मिनट को 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो अब देखिए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर क्या करेंगे, जो किलोमीटर है उसके आप बनाएंगे मीटर, 72, तो किलोमीटर की जगह पे आपने लगा देना 1000, तो वो आपका बन जाएगा हाली मीटर। ये 1000 मीटर आ गया ऊपर। नीचे हम क्या करेंगे, आर है तो एक घंटे में 60 मिनट मल्टीप्लाई 60 सेकंड, तो ये हमारे पास सेकंड बन गए। अब हम ऊपर इसकी कटिंग कर लेते हैं, 1 0 इसे कैंसिल हो गया, 1 0 इसे कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर बन गया 72 रह गया और इधर 10 रह गया और नीचे 6 6 रह गया। तो मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करें तो आप देखिए 6 2 3 6 2 5 10, तो इसकी और मज़ीद अगर कटिंग कर लें 3 1 3 3 2 6 1 कैरी 3 4 12, तो हमारे पास ऊपर देखिए 24 / 6 और / 5 ये बच गया। इसकी हमारे पास मज़ीद कटिंग हो सकती है 6 1 6 और 6 4 24, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास, तो 4 5 20, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, 20 हमारे पास। इसको हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड, तो ये इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो करते हैं। ये आपने अब याद रख लेना है, यानी कि सिंपली है कि आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 60 × 60 पे डिवाइड कर देना है। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास, वो देखिए अब वो है जी 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 144 जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 × 60 कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसका 1 0 इससे काट दें, 1 0 इससे काट दें, तो 2 3 6 2 5 10, तो 3 1 3 3 4 12, 2 carry 3 8 24। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 48 × 5 और नीचे हमारे पास 6 बचा हुआ है, तो 6 1 6, तो 6 जो है 8 are 48, तो 5 8 are 40, 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 40 मीटर पर सेकंड। ये लिखना ज़रूरी है इसके साथ, क्योंकि ये जो किलोमीटर थे वो मीटर पर सेकंड में आ गए हैं। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका जो थर्ड पार्ट है 216 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी भी सेम वैसे ही वर्किंग करनी है आपने, कोई चेंजिंग नहीं है, बस मेन चीज़ ये है कि आपको इसकी कटिंग करनी है आज। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। तो यहाँ पर वो वर्किंग तो आपकी हर क्वेश्चन में सेम आ रही है, एक दूसरे से काट दें एक दूसरे से काट दें, 2 3 6 और 2 5 10, इतनी तो आप हर एक में काट ही रहे हैं। अब यहाँ पे 3 1 3 3 7 21 और 3 2 6, ये हमारे पास आ गया इसका। तो इसकी जो है फिर दोबारा कटिंग कर लें, 6 1 6 1 कैरी, तो 12 हो गया, 6 2 12 हमारे पास आ गया, ऊपर 12 आ गया 6 का, यानी कि हमने टेबल पढ़ा तो 6 12 72, कटिंग करके भी हमारे पास 12 भी आया, तो ऊपर हमारे पास 12 और 5 बच गया, बस नीचे 1 1 बच गया। तो यहाँ पर हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई 5, 12 5 60 होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जो 216 किलोमीटर पर आर की यानी कि स्पीड से गाड़ी सफ़र कर रही है, वो 1 सेकंड में 60 मीटर दूर जाती है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है हमारे पास जी, ये है जी 260 किलोमीटर पर आवर, इसका पार्ट नंबर 4 है, 260 किलोमीटर पर आवर, 260 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 जी। तो इसको हम जब करेंगे, सॉरी 360 है ये, 260 नहीं है, 360, 1 0 इससे काट दें, 1 0 इससे काट दें आप। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, इजीली कटिंग हो जाएगी, 6 1 6 6 6 36, 60 हो गया ऊपर, 6 1 6 6 10 60, ऊपर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 रह गया, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर लें तो हमारे पास आ गया 100 मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट है इसका, 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सेम वही तरीकाकार हमारे पास आएगा, 180 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60, एक इससे गया एक इससे गया, तो 6 1 6 6 3 18 और 7 0 आ गया इसके, 6 1 6 6 5 30, तो नीचे 1 1 रह गया, ऊपर हमारे पास जो तो दो वैल्यू बची हैं वो जी 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ गया 50 मीटर पर सेकंड, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, एक ही पार्ट रह गया इसका जी बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट है, ये मैंने लिख दिया है, 1 1 2 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में करना है, सेम वैसे ही 1000 मल्टीप्लाई और 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड, 1 0 से कैंसिल हो गया, 1 0 से कैंसिल हो गया, अब 2 3 6 2 5 10 आ गया हमारे पास। अब इसको 3 से कटिंग करें, देखिए 11 है ना, तो 3 3 9 1 2 कैरी 25 हो गया, और 3 8 24, 1 कैरी 12 हो गया, 3 4 12, ये भी 3 कैंसिल हो गया। अब ये तो 6 रह गया, इसको इससे कटिंग कर दें, 6 1 6 6 6 36, तो 38 में से 2 कैरी हो गए, 24 हो गए, 6 4 24 जी। अब ऊपर हमारे पास 64 बच गया है और 5 बच गया हुआ है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 के साथ, 5 4 20, 2 लगा 0 0 लगा 2 कैरी, 5 6 30 और 2 32, 3 2 0, 320 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या है, कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। हमने अब
यूनिट ऑफ स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दी है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। जो पहला क्वेश्चन था उसका टोटली रिवर्स है, तो हम इसमें वर्किंग भी रिवर्स ही करेंगे। पहले हमने थाउजेंड से मल्टीपाई किया था ऊपर, अब हम उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, और 60 × 60 नीचे डिवाइड किया था उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे ले आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपली है, आप देखिए सोल्यूशन, अब आप क्या करेंगे, 60 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 है, तो इसको 60 × 60 यानी कि ये ऊपर आ गया, और जो 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया था वो नीचे आ गए, डिवाइड हो गया, यानी कि रिवर्स वर्किंग करनी है इस क्वेश्चन में आपने। तो अब 1, 2, 3 0 आपस में सारे कट गए, 6 × 6 = 36। सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये करवा दिया। तो इसको जब आपने आंसर लिखना तो आपने लिखना जी किलोमीटर पर आवर, ये लाजमी आपने लिखना है इसके साथ, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। नंबर 2 जो है हमारे पास इसका क्वेश्चन है वो 25 m/s है, 25 m/s। तो जब हम इसको करेंगे तो सेम वैसे ही हम करेंगे, 25 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 1000, एक यूरे से काट दें, एक यूरे से काट दें, तो 2 × 5 = 10 कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। नीचे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बची 1 के अलावा, तो 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती। ऊपर हमारे पास जो है वो है जी 5 × 3 × 6, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 3 = 15, और 15 को हम करते हैं जी 6 से मल्टीप्लाई, तो 15 ऊपर रख लें 6 नीचे रख लें, तो 6 × 5 = 30 आ गया, 3 × 6 = 6 और 3 प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया 9। तो ये हमारे पास 90 km/h ये इसका आंसर आ गया। इसका अब जो थर्ड पार्ट हमारे पास वो है जी 5 m/s। तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 5 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 1000, 0 कैंसल, 0 कैंसल, 5 × 5 = 10, और 2 × 2 = 6, 3 × 6 बच गया, तो 3 × 6 = 18 km/h। देखें आप इन था ये आसान आसान से क्वेश्चन, आपके तकरीबन हर क्वेश्चन में आपकी एक जैसी ही वर्किंग हो रही है। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, जी तो 3 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए, अब चौथा क्वेश्चन करने लगे हैं 15 m/s वाला, 15 m/s। तो इसको जब हम करेंगे तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60 डिवाइड कर देंगे 1000, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। जी कटिंग सारी होगी, बड़ी आसान सी कटिंग है इसकी। अब यहाँ पे आप देखिए 3 × 3 × 6, 3 × 3 = 9, और 9 × 6 = 54 km/h। तो ये हमारे पास इसका जो है आंसर आ गया चौथे पार्ट का भी। अब इसका पांचवा पार्ट अब वो करते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 5। तो 30 m/s, इसको हम चेंज करेंगे किस में जी, km/s में, तो सेम वैसे ही हम इसकी रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं, 30 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 1000। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें तीनों जीरो इसके काट दें, ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो 1 आ गया इसका, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो 6 × 6 = 36, इधर इसको लिख लेते हैं हम दोबारा, 3 × 6 × 6
और देखें 36 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 क्या हो गया हमारे पास 10। तो 108 इसका हमारे पास क्या हो गया जी, आंसर आ गया। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे जी, किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, ये है जी 20 मीटर पर सेकंड। जी इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो आप देखिए 0 0 से कैंसिल हो गए तीनों ही, तो अब हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 36, 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 72 इसका हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। और इसके साथ हम क्या लिखेंगे जी, किलोमीटर पर आवर।